ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, दैट इज जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। अब फिर से वही बात कि भाई ये जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कौन से चैप्टर के तहत पढ़ा रहे हैं, तो भाई साहब ये आप पे निर्भर करता है कि किस में पढ़ोगे। इसको आप नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में भी पढ़ सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ कि जब हमने प्रिवेंटिव मेडिसिन इन ऑब्स्टेट्रिक्स पीडियाट्रिक्स एंड जेरियाट्रिक्स वाला चैप्टर पढ़ा है, उसमें हमने ANC पढ़ा है, PNC पढ़ा है, इन्फेंट मोर्टैलिटी, मैटरनल मोर्टैलिटी, ये सब कुछ पढ़ा है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि ये जितनी भी योजनाएं हैं माँ और बच्चे से रिलेटेड या कार्यक्रम है, मैं उसमें पढ़ूँ। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे पढ़ना चाहते हो और कहाँ पढ़ना चाहते हो। मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं प्रिवेंटिव मेडिसिन इन ऑब्स्टेट्रिक पीडियाट्रिक्स जेरियाट्रिक्स वाले चैप्टर के साथ पढ़ूँ। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक, तो सबसे पहली बात, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम दो लोगों के नाम है, जननी और शिशु, यानी कि यहाँ पे बेनिफिशरीज कौन होंगे, दो लोग होंगे, एक प्रेग्नेंट वुमेन यानी कि जननी, दूसरा इन्फेंट यानी कि शिशु। इन्फेंट क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ चुका है कि भाई 1 साल से कम उम्र के बच्चे को इन्फेंट कहते हैं। तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज जितनी भी हैं, यानी कि सरकारी अस्पताल, छोटे बड़े अस्पताल जितने भी हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसको प्रमोट करना है, यानी कि उनका यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। देखो भाई, सरकार ने बहुत सारे छोटे बड़े अस्पताल खोले, बहुत सारी सर्विसेज चलाई हैं, मगर उनका यूटिलाइजेशन यानी उनका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही तो मेन उद्देश्य है। तो वही उद्देश्य को नज़र में रखते हुए उन्होंने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया, जिससे कि वो प्रमोट कर सके कि भाई साहब जाओ, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ या गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी अस्पताल हैं, उन सबको जितना ज़्यादा हो सके इस्तेमाल करो। बेनिफिशरीज प्रेग्नेंट वुमेन और इन्फेंट होते हैं। अब जो मेन चीज़ है इसकी, दैट इज़ फैसिलिटीज़। कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत दी जाती हैं? तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब फ्री दी जाएंगी। पहली चीज़, डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। अब डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो उतने समय तो अस्पताल में भर्ती रहेगी लेडी, तो उतने समय तक जितनी भी दवाइयाँ उसको ज़रूरत पड़ेगी, और साथ में भूखा तो रखेंगे नहीं ना भैया, 3 दिन 4 दिन जो घर में रखोगे भूखा, अस्पताल में रखोगे भूखा तो रखोगे नहीं। तो उसको जो डाइट दी जाएगी, खाना दिया जाएगा, दवाइयाँ दी जाएंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। मगर कितने दिन? तो देखो, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो 3 दिन तक दवाइयाँ और खाना मुफ्त दिया जाएगा, और अगर सिजेरियन सेक्शन है, अगर ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, तब 7 दिन तक खाना और दवाइयाँ मुफ्त दी जाएंगी। ठीक है, तो नॉर्मल डिलीवरी है तो 3 दिन और सिजेरियन सेक्शन है तो 7 दिन। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखो, मैं तो ऐसे याद करता हूँ कि सिजेरियन सेक्शन स से शुरू होता है तो 7 भी स से शुरू होता है, तो सिजेरियन सेक्शन 7 दिन। और अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की बात करो तो ये हो गया आपका N, और अगर N में एक डंडी और खींच दो तो क्या हो जाएगा, इसको टेढ़ा कर दो, 3। तो नॉर्मल डिलीवरी 3 दिन, सिजेरियन सेक्शन 7 दिन, ऐसे याद कर सकते हो आप। ठीक, तो भाई नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन में आपको जितने दिन रहती है बंदी, 3 दिन या 7 दिन, उतने दिन मुफ्त दवाइयाँ और खाना दिया जाएगा। उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि जितने दिन भी बंदी है आपके अस्पताल में, उतने दिन तक सारे के सारे जो लैब डायग्नोस्टिक चलते हैं कि भैया ये इन्वेस्टिगेशन करा लो, वो इन्वेस्टिगेशन करा लो, या USG कराना है, जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट लगेंगे उसको, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और अगर ज़रूरत पड़ी खून चढ़ाने की, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दिया जाएगा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत। समझ गए? तो डायग्नोस्टिक और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी फ्री रहेगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी फ्री रहती है। इस पे MCQ क्या बनता है कि लाना ले जाना, कि सिर्फ लाना कि ले जाना? तो घर से
अस्पताल तक ले जाना, डिलीवरी हो गई 3 दिन तक या 7 दिन तक रख लिया, उसके बाद अस्पताल से वापस घर तक छोड़ना, ये दोनों ही ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो समझ गए, मुख्य जो फैसिलिटीज़ हैं, सभी फैसिलिटीज़ जितनी भी इसमें चारों दी जा रही हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कौन कौन सी? तो भैया डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके तहत खाना और दवाइयाँ भी हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो 3 दिन, अगर सिजेरियन सेक्शन है तो 7 दिन। उसके अलावा डायग्नोस्टिक और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी माँ को। तो भाई आप बोलोगे कि अरे यार आपने तो बोला था कि साला बेनिफिशियरीज में प्रेग्नेंट वुमन और इन्फेंट दोनों है, अब आपने मां 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 कर रहे हो, बच्चे का क्या किया? तो भाई साहब ये सारी फैसिलिटीज जितने भी सिक न्यूबॉर्न बच्चे हैं ना उनको भी दी जाएंगी। कब तक? टिल 30 डेज आफ्टर बर्थ, समझे? तो जैसे कि इन केस अगर जो आपका इन केस जो बच्चा है न्यूबॉर्न बच्चा है वो बीमार है, ठीक है, तो जैसे वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी के 3 दिन बाद और 7 दिन बाद है, तो यहाँ पे बच्चा पैदा होने से 30 दिन तक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और ये सारी सुविधाएं जितनी भी हमने ऊपर डिस्कस की हैं अभी, अब डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन तो नहीं कराओगे ना बच्चे का, तो ड्रग्स और डाइट्स ये भी फ्री दी जाएगी, और डायग्नोस्टिक्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये भी फ्री दिया जाएगा इन केस अगर बच्चा 30 दिन के अंदर बीमार पड़ जाता है और उसको ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट की, तो वो भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा बच्चा पैदा होने के 30 दिन तक। जैसे यहाँ पे था ना कि बच्चा पैदा होने के बाद 3 दिन तक और 7 दिन तक, ऐसे यहाँ बच्चा पैदा होने के 30 दिन के अंदर अगर बच्चा बीमार है तो उसको ये सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, समझ गए? तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि भैया, और वो सारी चीज़ों में बच्चा भी आ जाएगा कि 1 साल से कम उम्र का अगर बच्चा है तो उसको भी ऊपर की दी हुई सारी सुविधाएं ड्रग डाइट डायग्नोस्टिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन ट्रांसपोर्ट ये सब मुफ्त में दिया जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें मेनली आपको जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ सवाल की, तो भाई देखो ये ना कभी कभी पूछे जाने वाला सवाल है। तो थ्योरी की बात करें अगर हम, तो थ्योरी में इस पे आपको वेरी शॉर्ट नोट आ सकता है, पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में पहली चीज तो इसके स्पॉट पे सवाल आ सकता है, आपको रख दिया गया कि भाई पहचानो कि ये कौन सा है। उसके अलावा वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इसकी फैसिलिटीज, डिलीवरी ऑफ सिजेरियन सेक्शन, ड्रग्स एंड डाइट, डायग्नोस्टिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ट्रांसपोर्ट, उसके अलावा बच्चे को भी ये सारी सुविधाएं। एक और इम्पोर्टेंट सवाल वाइवा में पूछा जाता है कि कितने दिन तक अगर नॉर्मल डिलीवरी है और कितने दिन तक अगर सिजेरियन डिलीवरी है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ MCQs की, तो MCQs में इसमें क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, तो एक सब जो अलग चीज होती है ना वो आजकल ज्यादा MCQ बनते हैं। तो आपको एक केस सिनेरियो दे दिया जाएगा, उस केस सिनेरियो के तहत कहा जाएगा कि भाई प्रेग्नेंट लेडी थी, उसको ये चीजें हुई, फिर आपको बोला जाएगा कि या तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या तो उसकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है, अब ड्रग्स एंड डाइट कितने दिन तक आप इसको दोगे, तो 3 दिन या 7 दिन, एक सवाल ये बन सकता है। MCQ में एक सवाल ये भी बन सकता है कौन कौन सी फैसिलिटीज दी जाती हैं, तो ड्रग एंड सिजेरियन सेक्शन, ड्रग एंड डाइट, डायग्नोस्टिक एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ट्रांसपोर्ट, ये सुविधाएं दी जाती हैं। एक MCQ आपको ये भी बन सकता है बच्चे को कब तक, तो टिल 30 डेज आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं जो आपको जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।